वहीं राजनांदगांव जिले के गैंटाटोला थाना क्षेत्र के लाटमेटा के पास स्थित एक राइस मिल में 31 दिसंबर को एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें काम के दौरान मजदूरों पर धान के बोरे गिरने से 3 मजदूर घायल हो गए थे। एक के इलाज के दौरान रायपुर में मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में गैंटाटोला पुलिस पूरी तरह से अनजान नजर आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आने वाले थाना गैंटाटोला स्थित तिरुपति एग्रो राइस मिल में 31 दिसंबर को जो 10:30 बजे की बताई जा रही है, बताया जा रहा है कि उक्त राइस मिल का काम काज धर्मेंद्र मौर्य के द्वारा देखा जा रहा है। घटना के बाद आनन फानन में घायल मजदूरों को राजनांदगांव लाया गया, जिसमें से एक मजदूर रायपुर रेफर किया गया, जिसका नाम मायाराम निषाद बताया जा रहा है, इसकी मौत हुई है। वहीं 3 अन्य मजदूर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं। अब इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये 31 तारीख को 10:30 बजे का घटना है। राइस मिल में मजदूर आपके धान का बोरी गिरने से जो है दब गए थे, उनको जो है चोट लगा था तो इलाज के लिए उनको ले गए थे। तो एक जो मजदूर है मायाराम रायपुर में एडमिट होकर इलाज करा रहा था, तो इलाज के दौरान 5/1/23 को जो है उसका मृत्यु हो गया और रायपुर में ही उसका पंचनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई हुआ है और जाँच में है। ये राइस मिल के मालिक कौन है सर, नाम बताएंगे? राइस मिल तिरुपति एग्रो है, मालिक का भी जानकारी नहीं है मेरे को अभी।